मथुरा के थाना हाईवे इलाके गोवर्धन रोड पर एक छात्रा को दो मनचलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। छात्रा को गोली मारने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 11वीं की छात्रा अंजू अपने घर से निकलकर स्कूल जा रही थी, तब दो बाइक सवार युवकों ने छात्रा को गोली मार दी। गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद जांच के लिए कई टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद दोनों मनचले युवक जितेंद्र और अजय को हिरासत में ले लिया गया। दोनों युवकों के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में SSP स्वप्निल ममगाई का कहना है कि बताएं क्या सफलता मिली आज। जी देखिए, ये परसों का घटनाक्रम है 26 तारीख का, जब सुबह 11वीं की छात्रा को दो व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई थी। इस प्रकरण को हमने अत्यंत गंभीरता से लिया और पिछले लगभग 27 घंटे की मेहनत के बाद हमने दोनों अभियुक्तों को, जिसमें प्रमुख अभियुक्त जीतू और जितेंद्र और उसका सहअभियुक्त अजय पाराशर को मैं मोटरबाइक और तमंचा के साथ हमने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी अभी नाबालिग हैं और इसी को देखते हुए दोनों पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलेगा और पोस्को भी लगाया जाएगा। मथुरा से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम्स इंडिया।